Hey guys, this is your boy Vasu Sehgal और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप प्रिपरेशन टिप्स टू क्रैक एमसी एंट्रेंस एग्जाम। तो यार आप 2021 एमसी एंट्रेंस एस्पिरेंट हो या फिर 2022 के एस्पिरेंट हो, यार ये वीडियो जरूर आप देखना लास्ट तक, क्योंकि इसमें मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे शेयर करने वाला हूँ जो कि यार आपकी प्रिपरेशन में भी हेल्प करेंगे और आपके एंट्रेंस डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम देने के टाइम पे भी हेल्प करेंगे। तो यार इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि यार जो हमें नहीं पता लग जाती, अच्छा यार ये तो हमें पता ही नहीं थी। तो यार इसके लिए लास्ट तक वीडियो जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जो भी आपके दोस्त हैं एस्पिरेंट्स हैं जो 2021 के हैं या फिर कोई आपका जूनियर है 2022 का एस्पिरेंट, उसके साथ भी शेयर कर देना। तो यार आज की वीडियो ज़्यादा देर ना करते हम शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का जो मेजर टिप मैं देना चाहूंगा वो ये होगी कि यार नो योर टारगेट एग्जाम कंप्लीट। यार आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो निमसेट हो, चाहे वो JNU हो, चाहे वो VITU हो, यार आपको सबके पैटर्न पता होने चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर यार आप पहले से एनालाइज कर लेना ताकि आपको पता लग सके इन सारे एग्जाम में मेजर टॉपिक्स कौन से आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उन टॉपिक से, ताकि यार आपको ईज हो कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी उससे। इसके अलावा जो सेकेंड जो मेजर टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि यार कीप योर प्रिपरेशन कम्प्लीट। तो यार काफ़ी बच्चे ये जो टिप है वो सुन के हंस रहे होंगे कि यार ये तो हमें पता है। यार यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि 1.5 से 2 महीने पहले यार अपनी सारी तैयारी पूरी कर लेना, और इसके अलावा जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उन सब के ऊपर आपकी पकड़ ढंग से होनी चाहिए, फॉर्मूलाज आपको ढंग से रटे होने चाहिए, ताकि यार ये 1.5 से 2 महीना जो है आपका उसमें आप ढंग से पूरी प्रैक्टिस कर सको कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर, ताकि यार आप अपने टाइम पे वर्कआउट कर सको और कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सको और उसी से आपकी रैंक ऊपर होती रहेगी। इसके अलावा जो थर्ड टिप मैं आप सबको देना चाहूँगा वो है कि एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ ऑल द एग्जाम यू हैव टू गिव। यानी कि यार आपको पूरा पैटर्न जो है वो क्लियर हो जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर एक बार एनालाइज कर लोगे, और उससे आपकी प्रिपरेशन को एक बहुत ही बढ़िया बूस्ट मिलेगा और कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर पाओगे, क्योंकि आप मेजर टॉपिक्स पहले उठाओगे और जिन टॉपिक से कम क्वेश्चन आ रहे हैं उसे आप बाद में चूज करोगे। यानी कि मेजर जो टॉपिक जिनसे नंबर आने हैं आपके और जिससे आपकी रैंक ऊपर होगी वो आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड होंगे। इसके अलावा जो अगली टिप मैं आप सबको देना चाहूंगा वो है सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर के यार पुराने 10 साल के पेपर उठाओ, उसे सॉल्व करो। इसके अलावा अगर आप वो कर चुके हो बहुत बढ़िया, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और यार वहाँ पर प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, ताकि आपको पता लग सके कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। तो मीनवाइल मैं आपको यार कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि यार प्रीवियस ईयर पेपर हमें नहीं मिल पा रहे। तो यार मुझे मारूला क्लासेस की वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर के पेपर मिल चुके हैं, यानी कि आपको JNU के, KIIT के, NIMSET के प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे यहाँ की वेबसाइट से। इसके अलावा मारूला क्लासेस ही आपको फ्री की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती है, जहाँ पे यार आपको कोई भी कॉस्ट नहीं ली जाती आपसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की, और आप फ्री में पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने जो वीक टॉपिक्स है उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो यार ये जो टेस्ट सीरीज है उनकी जो आपको एक बारी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। इसके अलावा जो भी अगर मान लो कि संडे को टेस्ट होने वाला है तो उसका पूरा शेड्यूल इन टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगा। इसके अलावा थर्ड कि यार जो भी आप टेस्ट दोगे उसके जो रिजल्ट है वो आपको रैंक वाइज मिल जाएंगे इन्हीं के टेलीग्राम ग्रुप में। इसके अलावा अब मान लो कि मैं पेपर देता हूँ लेकिन मुझे PDF चाहिए क्योंकि उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ मुझे लगे, तो यार आपको डाउनलोडेबल PDFs मिलेगी और आंसर की भी मिलेगी, ताकि आप प्रैक्टिस ढंग से कर पाओ। मारूला क्लासेस की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि यार बहुत बच्चे घर में प्रिपेयर कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यार टेस्ट जब तक आप नहीं दोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। इसके अलावा फिफ्थ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चेंज स्ट्रैटेजी टू क्रैक एन एग्जाम 1 वीक बिफोर द एग्जाम एंड प्रैक्टिस देयर टाइप ऑफ पेपर्स। यानी कि अगर मान लो कि 29th को मेरा पेपर है NIMSET का और 19th को यहाँ पर मेरा पेपर है VIT का, तो मैं 1-1.5 हफ्ते पहले से ही VIT के प्रीवियस ईयर पेपर या फिर उसके सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं वो ढंग से करने लग जाऊंगा, ताकि जो भी उस पेपर का एग्जाम पैटर्न है वो मेरे दिमाग में बैठ जाए और वहां पर पेपर में जाते ही मुझे ऐसा ना लगे कि मैं कहाँ आ गया और ये क्या पेपर आ चुका है मेरे सामने। इसके अलावा जो मैं अदर टिप जो कि मेजर टिप है यहाँ पर पूरी लिस्ट में वो है कि वर्क ऑन द टाइम, इट्स द मेजर वेपन टू क्रैक द डिफरेंट एग्जाम्स। यानी कि यार अपने टाइम पे वर्कआउट करो ताकि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस कर लो, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करोगे सिंपल है उतनी ही रैंक आपके ऊपर आएगी। इसके अलावा 7th पॉइंट जो है वो है कि गिव मोर देन 1 एंट्रेंस एग्जाम। तो यार मैंने जितने भी कमेंट आते हो मैं सारे पढ़ता हूँ या फिर जो मेल आती है मेरे पास मैं उनके रिप्लाई करता हूँ, तो यार मुझे ये ज़रूर पता लगे कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रिजिड हैं, यानी कि अगर उन्होंने एक गोल बना लिया तो वो कहीं और नहीं देखते। लेकिन यहाँ पर ऐसा आपको नहीं करना, अगर आपने मान लो कि NIMSET का पेपर भरा है तो उसके अलावा और भी 3-4 बढ़िया एंट्रेंस के एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी एंट्रेंस एग्जाम है वो ज़रूर देना,
ताकि आपको पता लग सके कि यार अगर मान लो कि एक एग्जाम आपका नहीं होता तो आपके पास और भी ऑप्शन है कि हाँ यार अगर मेरा ये वाला एग्जाम नहीं हुआ तो हाँ मैंने ये 2-3 दे रखे, इनमें से कुछ तो हो जाएगा। यानी कि आपका साल वेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर MCA 2 साल की हो गई है तो आप अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करो कोर CS टॉपिक्स में और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में। इसके अलावा जो एक मेजर टिप मैं आपको देना चाहूंगा वो है कि फॉर MSc कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स के लिए आप सिर्फ और सिर्फ कोर CS पढ़ना, क्योंकि यार वहां पर मैथ्स बहुत कम आती है, तो यार मैथ्स आपके NIMCET के ही टॉपिक से कवर हो जाएगी, कोर CS पे ज्यादा ध्यान देना। नाइन्थ जो टिप है मेरी आपके लिए ये है कि अगर आप कॉलेज के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हो तो यार अपनी जो कॉलेज की प्रिपरेशन है वो पहले से रखना, क्योंकि जो एंड टर्म आपके एग्जाम होने वाले हैं उनके बीच में ही आपके MCA के एंट्रेंस एग्जाम हो सकते हैं। ये टिप आपको कोई नहीं देगा, मैं खुद भुगत भोगी हूँ तो आपको बता रहा हूँ। तो यार ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो कि मेरा DBMS का पेपर आज है, परसों ऑपरेटिंग सिस्टम का पेपर है, तो बीच में ही कोई भी MCA एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। तो यार अपनी जो सारी प्रिपरेशन है वो बिफोर हैंड रखना, ताकि आप दोनों अपने कॉलेज की एग्जाम्स और अपने MCA एंट्रेंस के एग्जाम लाइट माइंडेडली दे सको। इसके अलावा जो 10th टिप है वो है कि वाइल गिविंग एग्जाम्स स्किप क्वेश्चंस व्हिच टेक मोर देन अ मिनट टू सॉल्व इन मैथमेटिक्स। चाहे यार सेक्शन मैथमेटिक्स का हो चाहे वो लॉजिक का हो, अगर 1 मिनट से ज्यादा आप एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो वो आपका पूरा पेपर भी खराब कर सकता है, चांसेस काफी ज्यादा है। अगर 1 मिनट से ज्यादा आप क्वेश्चन में एक टाइम ले रहे हो और अगर तब भी आपको उसका कोई भी लॉजिक क्रैक नहीं हो रहा, क्लिक नहीं हो रहा कोई भी लॉजिक, तो उसको छोड़ दो, अपने दिल पे मत लेना, अपने ईगो पे मत लेना। जितने ऐसे आप क्वेश्चन छोड़ोगे उतने ही ज़्यादा आप क्वेश्चंस कर पाओगे, क्योंकि इजी क्वेश्चंस आप जल्दी से जल्दी मार्क कर दोगे और बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है, आपको लगता है कि हाँ आप ये क्रैक कर सकते हो, ये क्वेश्चन ईजिली आप बना सकते हो, तो बाद में आप आ सकते हो यहाँ पर इस क्वेश्चन पे। पहले ही जो भी क्वेश्चंस हैं ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप छोड़ देना, ताकि आप यार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ। इसके अलावा 11th टिप जो आपको कोई नहीं बताएगा वो है कि फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि यार ये वाला जो फेसबुक ग्रुप है यहाँ पर सारे MCA एस्पिरेंट्स हैं और ये कोई मेरा ग्रुप नहीं, इस ग्रुप में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने ज्वाइन करा था, ये बहुत सीनियर्स ने पहले का बना रखा है और यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन या फिर रिजल्ट की पहले, मतलब मान लो कि कोई रिजल्ट आ गया तो यहाँ पर आपको सबको सबसे पहले पता लग जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं। ये ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि इससे आप बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड रहोगे। तो यार आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर दबाना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।